हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल में आप लोग का दोस्त और चैनल का स्ट्रॉन्ग। तो दोस्तों, जिस चीज़ का हमें बेसब्री से इंतजार था यार, वो चीज़ हमें फाइनली पता चल चुकी है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे दोस्तों GTA ट्रायलॉजी के साइज़ के बारे में। दोस्तों यहाँ पे फाइनली न्यूज़ निकल करके आ चुकी है कि इस GTA ट्रायलॉजी की जो साइज़ होने वाली है सभी डिवाइसेस के लिए वो कितनी होगी। आज के इस वीडियो के अंदर आपको इसकी साइज़ पता चलने जा रही है। प्राइस को लेकर के भी यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ निकल करके आई है। रिलीज डेट, गेम प्ले, ट्रेलर, सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर आपको एकदम डिटेल के अंदर बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल करने वाला है, पूरा एंड तक एकदम ध्यान से देखते रहना। जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो अब भी कभी सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर से प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर दोस्तों आपके लिए मैं सारे के सारे एंड्रॉइड और पीसी गेमिंग के वीडियोस एकदम जल्दी लेकर के आ जाता हूं। और दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे ना तो गारंटी यार फायदे में जरूर से रहोगे। एक दूसरी बात, अगर आपको इस वीडियो के लाइक्स और डिसलाइक देखते हैं कि इस पर कितने लाइक्स और कितने डिसलाइक है, तो मेरे को व्हाट्सएप पूछना है, वहाँ पर आपको बता दूंगा। और व्हाट्सएप पर भी अगर आप लोग आओगे ना तो वहाँ पर भी आपका बहुत ज़्यादा फायदा होते रहता है, क्योंकि आपके जो डाउट्स होते हैं वो आप मेरे को व्हाट्सएप के ऊपर बता सकते हो और मेरे को जितना टाइम मिलता है इतनी पॉसिबल होता है मैं आपके डाउट्स देख के उसको फिक्स कर देता हूँ, जिसके बाद में आपको कोई कन्फ्यूजन होती नहीं है। इस वजह से व्हाट्सएप पर भी अगर आप लोग आ रहे हो तो वहाँ पर भी आपका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। ओके, तो चलिए गाइस, अब शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, जिसमें आपको GTA ट्रायलॉजी की जितनी भी लेटेस्ट न्यूज़ निकल करके आई यहाँ पे कमाल की, वो सारे के सारे एकदम डिटेल के अंदर बताने जा रहा हूँ। तो अब वीडियो को एकदम ध्यान से आप लोग देखिए। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले तो जो बहुत ही ज़्यादा कमाल की न्यूज़ निकल करके आई है और जिसका हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो है साइज़ इस GTA ट्रायलॉजी की। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको पहले तो क्लियर कर देता हूँ कि iOS और Android की GTA ट्रायलॉजी की जो साइज़ है उसकी दोस्तों अभी तक के कोई लेटेस्ट न्यूज़ निकल करके आई हुई नहीं है। यहाँ पे जो न्यूज़ निकल करके आई है दोस्तों, वो सिर्फ PC और कंसोल्स के लिए निकल करके आई है। मतलब PC और कंसोल्स की इस GTA ट्रायलॉजी की कितनी साइज़ होगी वो अपने को कन्फर्मली यहाँ पर पता चल चुका है। iOS और Android वालों को थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से भी इसकी कितनी साइज़ होगी iOS और Android में वो भी आगे इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, ठीक है। पहले बात करते थे हम लोग यहाँ पे इसके PC और कंसोल्स की साइज़ की। तो दोस्तों देखो, यहाँ पे जो है ना दोस्तों, PC अगर आपके पास में है, GTA ट्रायलॉजी अगर आपको उसके अंदर खेलना है तो आपके PC में तकरीबन फ्री होनी चाहिए स्पेस टोटल 45 GB की। 45 GB दोस्तों आपके PC के अंदर ये GTA ट्रायलॉजी जो है वो ले सकता है। दूसरी अगर मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पे अपने निंटेंडो स्विच की, तो निंटेंडो स्विच वालों को जो ना यार यहाँ पे तकरीबन 25.4 GB स्टोरेज फ्री रखना पड़ेगा। अब वहीं अगर बात करूँ मैं दोस्तों एक्सबॉक्स सीरीज की, तो दोस्तों 49 GB का ये गेम होने वाला है एक्सबॉक्स सीरीज के अंदर, ठीक है। ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। प्लेस्टेशन 4 और प्लेस्टेशन 5 में तो आपको जो है वो टेंशन लेने, मतलब उसकी क्या ही मैं बात करूँ यहाँ पे, वो तो आपको कॉपीज़ जो है वो देखने के लिए उसमें मिल जाएगी। लेकिन अभी मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पे एक्सबॉक्स वालों की, तो दोस्तों देखो एक्सबॉक्स की जो है ना यहाँ पे जो गेम है अपने, जैसे GTA San Andreas और Vice City और GTA 3, वो अलग अलग उनकी कितनी प्राइस होगी ये भी अपने को यहाँ पे पता चल चुकी है। मतलब एक्सबॉक्स के लिए जो है ना दोस्तों यहाँ पे प्राइस होगी GTA San Andreas की, सॉरी प्राइस बोल रहा हूँ, साइज़ जो होने वाली है ना दोस्तों इस GTA San Andreas की, वो होगी 27 GB की एक्सबॉक्स के लिए। Vice City की जो साइज़ होने वाली दोस्तों वो होगी टोटल 14 GB की, और दोस्तों GTA 3 की जो साइज़ होने वाली है वो होगी 8 GB की। तो अगर आपके पास में एक्सबॉक्स सीरीज़ है उसमें आप लोग गेम को खेलने वाले हो, तो यार आपको GTA San Andreas के लिए देना पड़ेगा 27 GB, Vice City के लिए 14 GB और GTA 3 8 GB। समझ में आ गया आप लोगों को एकदम अच्छी तरीके से क्लियरली। और PC वालों को तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया 45 GB की स्पेस ये गेम आपका ले सकता है। तो ये अब मैंने आपको एकदम अच्छी तरीके से क्लियरली प्राइस के बारे में यहाँ पे डिटेल में बता दिया। तो ये जो प्राइस की न्यूज़ निकल करके आई है ना यार, ये भी एक्चुअली में देखो लीक्स ही है, ये कोई ऐसी ऑफिशियल कंफर्म प्राइस नहीं है। रॉकस्टार ने नहीं अपने को ये बताया, ये जो प्राइस निकल करके आई है ये लीक्स के अंदर अपने को पता चली है। मतलब इतनी प्राइस, मतलब इतनी जो है दोस्तों इसकी साइज़ यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। ये आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे iOS और Android डिवाइसेस वालों की। तो दोस्तों देखो, iOS और Android में कैसा ना यार यहाँ पे कि ये जो गेम है वो तकरीबन, तो देखो यार मेरे हिसाब से जो है ना वो हो सकता है 7 GB का, क्योंकि देखो रीमास्टर्ड वर्जन है। तो यार देखो, जितना भी चेंजेस इन लोगों ने किया है ना इस गेम के अंदर,
घुमा फिरा करके अगर मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पे, तो तकरीबन 5 GB से ऊपर तो ये गेम होगा ही होगा, यानी 5 GB से नीचे तो मेरे ख्याल से यहाँ पे नहीं हो सकता है ये गेम। क्योंकि नॉर्मली अगर मैं बात करूँ दोस्तों, अभी जो अपने ओल्ड GTA Vice City 3 San Andreas अवेलेबल है, उनकी प्राइस तकरीबन जो है दोस्तों 1 GB से लेकर के 3 GB के तक के है। तो अब रीमास्टर्ड आप खुद ही समझ लो, यहाँ पे जो है दोस्तों एनहेंस्ड वर्जन होता है, तो इस वजह से 5 GB तकरीबन आपको समझ करके चलना है, 5 से 6 या 7 GB पकड़ लो, 5 से 7 GB ही तक के ही इसकी जो साइज़ है वो यहाँ पे हो सकती है मेरे हिसाब से। ये मैंने आपको मेरा प्रेडिक्शन यहाँ पे बताया। अब गेम लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा कि इसकी सभी डिवाइसेस के लिए एग्जैक्ट जो प्राइस है वो कितनी यहाँ पे होने वाली, ठीक है। ये दोस्तों कंप्लीट डिटेल्स मैंने आपको इस वीडियो के अंदर अभी तक के बता दिया। अब दोस्तों दूसरी जो यहाँ पे न्यूज़ निकल कर के आई ना यार, वो आई है रेजोल्यूशन को निकल करके। देखो ये जो गेम है ना दोस्तों GTA ट्रायलॉजी, ये अपने को सपोर्ट कर सकता है 4K रेजोल्यूशन प्लस अप टू 60 फ्रेम के अंदर। तो ये दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पे न्यूज़ निकल कर के आई है। 4K रेजोल्यूशन के अंदर आप लोग जो है वो इसको तो खेल ही पाएंगे, प्लस 60 FPS के अंदर ये क्वालिटी अपने को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, जो कि काफ़ी कमाल का यार अपने को एक्सपीरियंस मिल सकता है इस गेम के अंदर। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है, ये भी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया। तो ये दोस्तों दो लेटेस्ट न्यूज़ निकल करके आए थे साइज़ को लेकर के और यहाँ पे इस गेम के अपने रेजोल्यूशन को लेकर के। प्राइस भी दोस्तों मैं आपको एडेंड बता देता हूँ यहाँ पे। देखो PC के लिए इसकी प्राइस होगी 5,000 रुपये की, और बाकी जो जितने भी कंसोल्स है उसकी प्राइस होने वाली दोस्तों तकरीबन 4,000 रुपये की। iOS और एंड्रॉयड की बात करूँ यहाँ पे, तो 1,000 तक के ये गेम हो सकता है, 1,000 रुपये के अंदर ही एटलीस्ट आपको ये गेम देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन ऑलमोस्ट आप लोग 1K रुपीज़ पकड़ करके चलो, ठीक है। दूसरी बात करूँ यार मैं रिलीज़ डेट की, तो 11 नवंबर को ये गेम ऑफिशियली रिलीज़ हो जाएगा, PC वाले इसको खेल पाएंगे। फिजिकल कॉपीज़ इसके साथ दिसंबर को अवेलेबल होगी, तो एक्सबॉक्स और ये वाले जो गेम है अपने कंसोल्स वगैरह वो सारे लोग इसको फिर एंजॉय यहाँ पे बड़ी आसानी से कर पाएंगे। iOS और एंड्रॉयड वालों को नेक्स्ट ईयर तक के वेट करना पड़ेगा, 2022 में आपको जनवरी से जून के बीच में ये गेम कन्फर्म देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। ये कंप्लीट डिटेल्स मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया। बात करूँ अगर मैं ट्रेलर की और बाकी गेम प्ले वगैरह की, तो दोस्तों उसमें कोई यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ निकल करके नहीं आई है, वो जैसे थे वैसे ही उसकी अभी तक की यहाँ पे डिटेल्स है, ठीक है। तो दोस्तों बस फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही। आई होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कर दो।